हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मेरा नया ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी फिलहाल मैं इटली रोम में हूँ, तो आज मैं इटली के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, जैसे इटली की जॉब, सैलरी, ट्रांसपोर्ट, इटली कितना एक्सपेंसिव है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी मैं जो इटली के रोम के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर जा रहा हूँ। जाने के बाद कुछ इटालियन फूड दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ का एक सबसे बहुत बड़ा बुक स्टोर है, जो बुक का शॉप है, जहाँ से आप बहुत सारे टाइप का बुक्स मिलेगा, आप खरीद सकते हो। लेकिन उसका प्राइस सिर्फ 1 यूरो है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीप है। क्योंकि देखो आजकल बुक पढ़ने वाला बहुत कम लोग ही है, इसलिए क्योंकि सब कुछ फ़ोन में मिल जाता है और इंसान का ध्यान आजकल फ़ोन में है। आज मैं मतलब बस में जा रहा था तो देखा एक बंदा, उसके हाथ में न्यूज़पेपर नहीं है लेकिन उसके हाथ में बड़ा एक आईपैड है और उसमें न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आजकल न्यूज़पेपर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आजकल बुक्स भी धीरे धीरे सस्ता होने लग गया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मशीन है जो मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करते हैं। और ये देखिए भाई साहब बुक स्टोर है, देखिए बोरी बुक्स इंटरनेशनल बुक शॉप, बोरी बुक्स इंटरनेशनल बुक शॉप। तो देखिए यहाँ पे हर टाइप का शायद मेरे ख्याल से बुक्स मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बुक शॉप है। देखिए कितने सारे बुक्स है, देखिए बुक में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए मतलब बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आया था। घर से एक बुक लेके आया, बस उसको एक दिन भी मैं खोल के नहीं देखा। आज 4 मंथ हो गया मेरे वो बैग में पड़ा हुआ है, उसको एक दिन तक खुला नहीं। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ। हमारे कंट्री में बोलो, दुबई में बोलो, मतलब एयरपोर्ट भी इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है। ये 12 यूरो का चश्मा है, मतलब 1000 रुपीस। कैसे लग रहे हैं? तो और भी और 2-4 चश्मा ट्राई करके देखता हूँ। ये भी 12 यूरो का है, तो थोड़ा और ज़्यादा तो थोड़ा महंगा ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे महंगा कितने का है टोटल? ये 14 यूरो का है, मतलब 1200 रुपीस का एक चश्मा। सही है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, मतलब इटली के हिसाब से सही है। ये बैग देख रहे हो, 78 यूरोस बोले तो मतलब 7000 ऐसा कुछ, 7000 के आसपास है। ये 8000 का है। ये देखो ये जो जैकेट है, पतला सा, उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, मतलब ठंडी में काम में नहीं आएगा। इस टाइम के लिए सही है, ज़्यादा ठंडी के टाइम ये कोई काम का नहीं है। लेकिन इसका प्राइस है कितना? 15000 इंडियन मनी, 15000 एक मतलब प्लेन सा जैकेट है भाई। कपड़े मतलब देखो, कपड़े कहीं भी जाओगे कपड़े हमेशा महंगा होता है। आप क्यों ना इंडिया चले जाओ, अच्छे मॉल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो ये मेट्रो स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है। तो एप्पल अगर यहाँ पे उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ये माल्टा के हिसाब से ठीक ही है, 2.5 यूरो 3 यूरो ही एप्पल का किलो है। तो बहुत सारे टाइप के एप्पल है, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, योलो एप्पल। वही यार देखो, इतना देखो कितना अच्छा और फ्रेश है। देखो इसका प्राइस भी बहुत कम थी, ये 2 यूरो है। कितना बढ़िया पाइन एप्पल है देखो गाइस, वो और फ्रेश भी है। ये जो सुपर मार्केट है ये, और यहाँ पे ये सी फूड है। यहाँ पे देखिए कितने सारे टाइप का मतलब सुशी फूड है। सुशी जो होता है एक्चुअली रॉ फूड होता है। यहाँ पे देखिए जो
सलमान फिश है और रॉ है, और ये जो श्रिंप वगैरह इसको थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बॉईल करके रखते हैं, थोड़ा बॉईल करके रखते हैं, बस यही है सुशी फूड। और यहाँ पे पूरा सी फूड है, ये देखिए गाइस मेरे पीछे देखिए, दुनिया के हर टाइप के दारू वाइन मतलब जितने सारे टाइप के दारू होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ का जो मतलब सुपरमार्केट होता है उसका खास बात क्या मालूम है आपको, एक तो दारू मिल जाएगा, मतलब दारू के अंदर जो जो जितने भी सारे चीज़ होता है बियर से स्टार्ट करके वाइन जितने भी चीज़ होता है आपको मिल जाएगा। कुकिंग करने के लिए आपको पूरा बर्तन मिल जाएगा, जूस मिल्क फ्रेश वेजिटेबल मीट, ऊपर से जो खाना बना कर पैक करके रखते हो कुक फूड पिज्ज़ा बर्गर राइस फ्रूट्स, आपको जितने भी सामान चाहिए खाने के लिए पीने के लिए आपको सुपरमार्केट में हर टाइप का चीज़ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप चावल खरीदने के लिए अलग मार्केट में जाओगे, फिश खरीदने के लिए अलग मार्केट में जाओगे, मीट के लिए अलग मार्केट में जाओगे, दारू के लिए अलग, मतलब एक जगह पर आप एंट्री कर लोगे तो आपको मतलब दूसरे जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और सुपर मार्केट से सामान खरीदोगे तो थोड़ा चिप भी मिलता है, जैसे आप छोटा मोटा शॉप में जाओगे तो वो लोग थोड़ा स्कैम करता है। मतलब ये देखो ये पानी का बोतल है, सेम बोतल मैं कल एक जो मतलब वहाँ पे जब मैं खाना खाने गया था जो हमारे इंडियन रेस्टोरेंट था बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था वो पानी का बोतल लिया था कितना 1 यूरो, और ये पानी का बोतल कितना 50 सेंट, मतलब 1 यूरो मेरे से ज़्यादा लिया। चलो रेस्टोरेंट है थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते। मेरे जो पीछे मशीन देख रहे हो इसका मैं खुद पे किया, ओके थैंक यू। मतलब वहाँ पे जो मैं मशीन दिखाया आगे मैं सिक्योरिटी करते इसलिए मैं उसके सामने अच्छा वीडियो बना के नहीं दिखाया, वो जो मशीन था मतलब वो मतलब खुद सामान लेकर आओ खुद पे करके चले जाओ, जो बिजी है लाइन में खड़ा होने का टाइम नहीं है, वहाँ पे 5-6 मशीन रख दिया तो बस आप खुद उसको स्कैन करो उसका प्रेस स्कैन करो खुद पे करके चले जाओ, कितना आसान है यार। तो गाइस मैं सबसे पहले इटली के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो ट्रांसपोर्ट के दिख से माल्टा का ट्रांसपोर्ट सही है, क्योंकि अभी माल्टा का जो बस है फ्री हो गया और जो टैक्सी है उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब इटली के हिसाब से आप जगह के हिसाब से लेते हैं, मतलब नज़दीक जाओगे तो 5 यूरो 10 यूरो 15-20-25 इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ का टैक्सी का बिल बहुत ज़्यादा है। और जो बस तो अभी तो माल्टा का बस फ्री हो गया, अगर कोई टूरिस्ट भी जाएगा तो मतलब एक बार टिकट लेने लेगा तो 2 यूरो 2 यूरो में मतलब एक वो किधर भी जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है देखो मतलब जो एयरपोर्ट से बस आता है वो तो 7 यूरो आने का टाइम लिया था, और यहाँ पे कोई भी घूमने के लिए आओगे तो बस मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर एक मंथ के लिए आ रहे हो तो यहाँ पे एक मंथ के लिए कार्ड बनता है, तो एक कार्ड भी मिलता है एक मंथ के लिए अनलिमिटेड 30 यूरो शायद समथिंग लगता है 30 यूरो, आप 30 यूरो में किधर भी घूम सकते हो। और एक हफ्ते के जैसे मैं आज एक कार्ड लिया 12 यूरो में, मतलब 48 आवर्स के लिए, तो 48 आवर्स में किधर भी जा सकता हूँ, तो एक कार्ड मिलता है, एक दिन का भी कार्ड मिलता है और एक बार का भी कार्ड मिलता है, तो अब आपको जो अच्छा लगे बस वही आप यूज़ करना। और यहाँ का जो जॉब के बारे में बात करता हूँ, जॉब के बारे में बोले तो देखो यहाँ का जो एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी होता है, जिसको कुछ पता नहीं हेल्पर लोगों को सैलरी है 800 से स्टार्ट होता है, 800, 1000, 1200, 1300, 1400 ऐसा सैलरी है। और जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है मतलब कुक लाइन में कोई भी मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो लोग देखते हैं काम, देखते हैं कि बंदा काम कैसा कर रहा है। और यहाँ पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले जो मतलब दूसरे रेस्टोरेंट लाइन में काम करोगे तो इंग्लिश बोलोगे तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो डिलीवरी जॉब होता है ड्राइवर का जॉब होता है और जो रिसेप्शन जॉब होता है ऐसे जॉब के लिए आपको इटालियन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का लोगों को उतने ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता। अगर आपके पास अच्छा खासा स्किल है लैंग्वेज मालूम है और एक्सपीरियंस है कुकिंग लाइन में, अगर आपके आपको लैंग्वेज मालूम नहीं है अगर एक्सपीरियंस है अच्छा खासा काम कर लोगे तो मंथली 1700-1800-2000-2200 तक मिल जाएगा यहाँ का जो सैलरी। और यहाँ का जो रूम रेंट है मतलब माल्टा के हिसाब से बहुत चीप है, देखो माल्टा का अभी तो रूम का हालत बहुत ही बेकार है, 200-250 का रूम रेंट है माल्टा में,
अभी 150 में तो मिलता ही नहीं है। और यहाँ का रूम रेंट में दो चार बंदे से पूछा, कोई बोल रहे हैं 120, 130, 140, 150, 160, 170, इसी के अंदर यहाँ का रूम रेंट मिल जाता है। और यहाँ का और एक खास बात है गाइस, जैसे हम लोग देखो काम करने के लिए जाते, काम किधर भी काम करते तो सुबह उठ के कुछ खाना पीना बना के खा पी के जाना पड़ता है, फिर ड्यूटी से आके खाना पीना बनाना पड़ता है। तो वैसे भी हम लोग का ड्यूटी का जो टाइम टेबल ठीक नहीं है, कभी मॉर्निंग है, कभी आफ्टरनून है, कभी क्लोजिंग है, तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम अच्छा है, मतलब रूम देगा, ऊपर से खाना पीना बना के देगा, मंथली शायद 300 ऐसा कुछ लेगा, खाने के लिए 150 लेगा। कितना बढ़िया, देखो आप जाने का टाइम खाना खा के जाओ, आने का टाइम भी आपको खाना मिल जाएगा, तो आप कितना घंटा भी काम कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग काम करते तो हम लोग का टेंशन रहता है, भाई जाके खाना बनाना पड़ेगा, आज ये सामान ख़त्म हो गया, वो सामान ख़त्म हो गया, इसको ख़रीदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ का जो एक्सपेंस है मैं आप लोगों को तो थोड़ा दिखा दिया, यहाँ का जो इटालियन फूड होता है, अगर इटालियन फूड खाओगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ का एक मतलब खाने का जो बाहर से जो टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे भी जो लोग काम करते हैं, उन लोग की एक सुविधा क्या है, देखो किधर भी अगर बंगाली लोग रहेंगे ना तो अपना मॉल बना लेते हैं, तो जैसे हमारे इंडिया बांग्लादेश के जैसे मॉल है ना वो बन जाते हैं। तो ऐसा दुबई में भी है, अबू धाबी में भी है, माल्टा में नहीं है, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होते हैं। अगर माल्टा में ज़्यादा बंगाली लोग होता तो हम लोग को भी थोड़ा सुविधा होता। क्यों ऐसा बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, कोई भी शॉप में जाओगे आपको बंगाली मिलेगा। कल मैं दो रेस्टोरेंट में गया, एक बंगाली रेस्टोरेंट एक इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन दोनों रेस्टोरेंट में बंगाली काम करते हैं। और यहाँ पे आपको सस्ता में मटन करी, चिकन करी, फिश करी, चिकन फ्राई, बिरयानी, राइस, सब कुछ आपको चीप रेट में मिल जाएगा। मतलब 10 यूरो का खाना खाओगे तो आपको पेट भर जाएगा, लेकिन आप माल्टा में जाओ, कोई भी एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, 10 यूरो कुछ भी नहीं है। आप कोई भी चिकन करी लोगे, कुछ बटर चिकन कुछ लोगे, उसी का प्राइस है 10 यूरो 12 यूरो तक पड़ जाएगा। ऊपर से रोटी भी लोगे तो मतलब ऐसे भी 16-17 यूरो पड़ जाएगा, फिर भी पेट भरेगा नहीं पता नहीं। और यहाँ पे आपको मतलब जो फ्रेश वेजिटेबल्स मीट होता है, बहुत सारे यहाँ पे बांग्लादेशी भाई का ग्रोसरी है, सुपर मार्केट है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब फ्रेश मिल जाएगा मीट से स्टार्ट करके। और वो भी मतलब माल्टा के हिसाब से चीप है। माल्टा में जैसे आपको चिकन वगैरह, अभी तो अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक बंगाली साथ, उसको मैं बोला भाई चिकन फ्रोजन चिकन 4 यूरो किलो, चार नहीं अभी 5 यूरो किलो हो गया, जो लेग पीस हो गया 5 यूरो किलो लेता है सुपर मार्केट में। तो सुन के बोले 5 यूरो, यहाँ पे फ्रेश चिकन मिलता है 3 यूरो में। और अंडा मैं उसको बोला भाई अंडा का टेरिया अभी 6 के ऊपर हो गया, उसने बोला भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा ये माल्टा में, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है। और ये देखो कभी भी कुछ या कहीं भी घूमने के लिए जाओगे तो जो पानी होता है, जूस होता है, कुछ खरीदोगे तो बड़े जो सुपर मार्केट होता है वहाँ से खरीद लेना, क्योंकि कोई भी रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने के लिए जाना रेस्टोरेंट में, देखो आप थोड़ा पता कर लेना कौन सा रेस्टोरेंट चीप है तो उस हिसाब से वहाँ पर खाना खाने लेना। क्योंकि कल मैं एक बंगाली रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट से, दोनों रेस्टोरेंट से मैं पानी लिया था, सेम पानी, मतलब सेम बॉटल नहीं है, लेकिन उससे अच्छे तो ये पानी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका प्राइस लिया था 1.5 यूरो और इसका प्राइस है 55 सेंट, मतलब 1 यूरो ज़्यादा ले लिया, इतना भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो बस यही हो गया गाइज। हाँ, अगर आप यूरोप कंट्री में आना चाहते हो कि गल्फ कंट्री में जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, तो सबसे पहले दो चीज़ कर लेना, आपको लैंग्वेज पता हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो, एक जो बाइक ड्राइवर का लाइसेंस और एक कार का लाइसेंस लेके जाना। अगर आप माल्टा में डिलीवरी का जॉब करोगे, कार का ड्राइव करोगे, तो आपका अगर थोड़ा इटालियन लैंग्वेज मालूम हो जाएगा तो आप आराम से अच्छा खासा कमा सकते हैं। यहाँ का जो डिलीवरी लोग मंथली 3,000-4,000 तक कमाता है, जो कार ड्राइवर हो तो वो लोग तो बोले 5-6 भी हज़ार हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। और टूरिस्ट लोग आपको पता है कि टूरिस्ट लोग टिप वगैरह भी देते हैं, आपको अच्छा खासा टिप भी मिल जाएगा और सैलरी भी मिल जाएगा। तो बस और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का कम वगैरह है, और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का काम वगैरह है, बहुत सारी वैकेंसी रहता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि
मतलब मैं दो चार बंदों से बात कर रहा था, वो लोग बोल रहा था कि यहाँ पे रेस्टोरेंट का बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहता है। अभी तो देखो अभी सीजन नहीं है, फिर भी अभी बहुत सारे आप लोग को वीडियो में देखा था बहुत सारे टूरिस्ट है, और जो जब सीजन आएगा जून जुलाई आएगा पूरा तो भर जाएगा। तो गाइस होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।